नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। लगातार हम उन चेहरों को इस कार्यक्रम का हिस्सा बना रहे हैं जो चुनावी रण में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से निर्दलीय होकर ताल ठोक रहे हैं, यानी बागी होकर ताल ठोक रहे हैं निर्दलीय रण में। ऐसे में लगातार तमाम चेहरों को हम चमोली से लेकर रुद्रपुर और रुद्रपुर से लेकर रुद्रप्रयाग, तमाम चेहरों को इस कार्यक्रम में शामिल कर चुके हैं। यहां तक कि सितारगंज में नारायण पाल का इंटरव्यू, तमाम ऐसे चेहरों को हमने इस कार्यक्रम का हिस्सा बेबाक अंदाज से ठोक बजा कर रखने हैं। आज बात करेंगे धर्मपुर सीट की। धर्मपुर देहरादून की एक हाई प्रोफाइल वीआईपी सीट है धर्मपुर, जहां पर मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के दो दिग्गजों के बीच है। एक तरफ विनोद चमोली एक बार फिर से चुनावी रण में है, विनोद चमोली जो कि मेयर रह चुके हैं, साथ ही साथ विनोद चमोली के साथ सामने कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल चुनावी रण में है। मुकाबला कल तक आमने सामने का बताया जा रहा था, लेकिन बीजेपी के एक चेहरे ने पूरी सियासी लड़ाई को बदल दिया है, और वो चेहरे हैं हमारे साथ खुद जुड़े हुए वीर सिंह पवार साहब, जो कि इस बार धर्मपुर से चुनावी ताल ठोक रहे हैं निर्दलीय ही। वीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। वीर सिंह जी, सर अपना अनम्यूट कर लीजिए, फिर उसके बाद ताकि आपकी आवाज आ पाए और फिर उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ा पाए। जी, अब आएगी आवाज पवार साहब, बिल्कुल सही। पवार साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा था, चुनावी रण में अकेले ताल ठोक दी आपने, क्या सोचकर? एक तरफ चमोली जी और दूसरी तरफ अग्रवाल साहब हैं। देखिए भाई साहब, ऐसा भाई साहब, जनता का समर्थन हमारे साथ है। इस समय जनता धर्मपुर विधानसभा में परिवर्तन चाह रही है। 15 साल तक दिनेश अग्रवाल जी को देख चुके हैं, 5 साल तक विधायक जी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उन्हें भी देख चुके हैं, लेकिन समस्याएं जस की तस है। मूलभूत सुविधाएं जो है, बिजली, पानी, सड़क, उससे भी अभी जूझ रहे हैं लोग। यहाँ पे शहर की विधानसभा है तो लोग इस समय परिवर्तन चाह रहे हैं। भाई साहब, मुझे जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। मैं नेता नहीं, एक समाज सेवी हूँ। समाज सेवी होने के नाते जनता मेरे से जुड़ रही है। जनता को मेरे से काफी अपेक्षाएं, आशाएं हैं कि अगर ऐसे लोग आगे आ गए तो निश्चित रूप से बदलाव होगा। इसलिए जनता हमारे साथ है। आप किस मुद्दे के आधार पर धर्मपुर जा रहे हैं? क्योंकि विनोद चमोली कहते हैं, मैंने इतना विकास किया धर्मपुर का। आप जनता से जाके पूछो, रिपोर्ट कार्ड तैयार करो। जब मेयर था तब भी मैंने धर्मपुर का विकास किया, और जब मैं विधायक रहा तब भी मैंने धर्मपुर का विकास किया। वो तो ये कह रहे हैं। आप देख सकते हैं, हमारे से थोड़ा आगे मैं कारगी चौक पे मेरा कार्यालय है, उससे थोड़ा भी डंपिंग जोन है, वो भी इस क्षेत्र के लिए काफी साफ है। आप देख सकते हैं, तमाम आस पास की जितनी आबादी है उस डंपिंग जोन से परेशान है। क्या यही उनका विकास है? उससे थोड़ा आप जाएंगे ब्राह्मण वाले में लोगों ने 5 साल तक घरों की पुताई नहीं करी। बात लोगों के घरों में धूल जमी हुई, अभी सीवर सड़कें कुछ नहीं बनी, 5 साल तक लोग वहां गड्ढे ही गड्ढे सड़कों में, तो लोग परेशान है। आप मलिन बस्ती की बात कर रहे हैं, नियमितीकरण की, दोनों पार्टी चाहे कांग्रेस रही हो भाजपा रही हो, आज गरीब आम गरीब जो तबके के व्यक्ति वो परेशान है। उनके बारे में किसी ने सोचा है? कोई नहीं सोचता। आज वही लोग मेरे से कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं कि नहीं, ऐसा आदमी आगे आने चाहिए जो सुख दुख में पब्लिक के साथ खड़ा। तो डबल इंजन क्या धर्मपुर की तरफ नहीं चला था क्या? अब वो तो जनता जनार्दन जाने के साहब, हमने तो देखो हमारे साथ क्यों, फिर अगर डबल इंजन चलता तो क्यों हमारे साथ फिर जनता आती? आप देख सकते हैं, यहाँ पर चाहे मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति हो, चाहे पहाड़ी मूल का व्यक्ति हो, चाहे मैदानी मूल का व्यक्ति हो, चाहे गोरखाली समुदाय का व्यक्ति, सारे समुदाय के व्यक्ति हमारे साथ तन मन धन से जुड़े हुए हैं। मेरे को तो यहाँ अपार, मेरे पास एनी टाइम हर समय 500-600 लोग हैं जो ये बोल रहे हैं हमने किस क्षेत्र में जाना, हमारी ड्यूटी लगाई। ये स्थिति हो चुकी है इस विधानसभा में, तो आप देख सकते हैं। एक बार आप चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं या फिर विनोद चमोली को हराने के लिए लड़ रहे हैं? देखिए भाई साहब, मैं एक समाज सेवी हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। मैं अपनी लड़ाई लंबी कर रहा हूँ। मैं जनता का प्रत्याशी हूँ, जनता ने मुझे यहाँ पर उठाया है। मैं खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। कम से कम 2 से 2500 लोग मेरे पास आए, मेरे कार्यालय में आए कि नहीं। जब मैं मायूस था, टिकट कट गया था, तो जनता ने कहा नहीं, आपको चुनाव लड़ना है और हम आपके साथ। मैं जनता के दबाव में इस समय चुनाव लड़ रहा हूँ
और मैं किसी को हराने जीतने वाली बात तो कहीं दूर तक नहीं कि मैं चमोली जी को या दिनेश अग्रवाल जी को, मैं किसी से हराने के लिए अपनी लाइन लंबी कर रहा हूं, मैं जनता के दबाव में चुनाव लड़ूंगा। तो आपको नहीं लगता कि आपके खड़े होने से बीजेपी को नुकसान पहुंचेगा और खासतौर पर विनोद चमोली को? नहीं, नुकसान तो दोनों को पहुंच रहा है ना। देखिए, मुस्लिम समुदाय के जितने लोग हैं आज, उनका कहना है कि दिनेश अग्रवाल जी हमें वोट बैंक की तरफ यूज करते हैं खाली। जब वोट पड़ते हैं उन्हें पता है मुस्लिम मतदाता है, वो कहीं नहीं जाते, कांग्रेस में वोट पड़ेंगे। उन लोग अब उनके क्षेत्र में काम नहीं होंगे, उनके जितने भी काम है क्षेत्र के सारे मैं करता हूँ, थाने चौकी से लेके सुख दुख में उन पर खड़े रहता हूँ। उनका ये मानना है हमें क्या लेना दिनेश अग्रवाल जी से, हमें तो अपना भाई चाहिए ना, अपने बीच का आदमी चाहिए जो हमारे सुख दुख में खड़े रहता है। तो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो भी काफी कुछ संख्या से मेरे से जुड़े हुए, तो दिनेश अग्रवाल जी का या विनोद चमोली जी का यहीं पे मैटर नहीं है। मैंने तो अपनी लंबी लाइन करो, जनता के दबाव में चुनाव नहीं। मैं पवार साहब एक बात आपसे जानना चाह रहा था। देखिए, एक वो शख्सियत है जो खुद कहते हैं कि मैं पूर्व कैबिनेट मंत्री था तो मैंने धर्मपुर का विकास किया, मैं अग्रवाल साहब की बात कर रहा हूँ, और एक तरफ है विनोद चमोली जी जो कहते हैं कि जब मैं मेयर था तब भी काम करता था, विधायक था तब भी काम करता था। ये दोनों हैवी वेट है, लेकिन इनको आप चुनौती दे रहे हैं तो कोई तो आधार होगा ना। धर्मपुर में आप किस आधार पर कह रहे हैं कि मैं इन दोनों को चुनौती दे रहा हूँ? आप देख सकते हैं ना, कोविड काल में कहां थे दिनेश अग्रवाल जी? 5 साल तक जनता के बीच कहां थे? आप पूछिए उनसे, अभी 1 महीने पहले वो सक्रिय होके आए जनता के। क्या जनता को ये पूछना नहीं चाहिए? वो तो सवाल पूछ के गुस्सा जाते हैं, उनसे सवाल पूछो तो गुस्सा आ जाता है उनको। नहीं, यही तो है, लोगों को देखे भाई साहब, कोई छोटा हो बड़ा हो सबको चाहिए सम्मान। हमेशा जब सम्मान होगे तो जनता अपने आप आपके साथ जुड़ेगी। काम होना ना होना बात का इशू है, ये दोनों लोग जो अहंकारी है, दोनों किसी अपने से बड़ा किसी को मानते नहीं है, दोनों अहंकारी। आप बात करेंगे दिनेश अग्रवाल जी की, तो वो क्षेत्र में थे कहां इस समय? जब तुम निगम के चुनाव, मेयर के चुनाव लड़े, उसके बाद तुम्हारी सकल नहीं दिखी, 1 महीने पहले आप सक्रिय हो रहे क्षेत्रों में दिख रहे हैं अभी, तो आप जब जनता को आपकी जरूरत होती सुख दुख में, तब कहां थे आप? काम करते तो लोग मेरे से जुड़ते क्यों? मैं बता तो रहा हूँ, 15 साल तक दिनेश अग्रवाल जी ने काम किया, 5 साल तक विनोद चमोली जी आ रहे, लेकिन काम नहीं हुई। क्या कारण है जनता मेरे से जुड़ी? मैंने यहाँ 5-10 साल से यहाँ सक्रिय हूँ। कोविड काल में मैंने अपने इस कार्यालय में कम से कम 15 से 2 हजार लोगों को रोज खाना खिलाया, और वो लोग थे जिनको वास्तव में जरूरत थी। वो न इस प्रदेश के थे, कोई बाहर के थे, या डंपिंग जोन में जो पर्यावरण मित्र थे वो लोग थे। तो हमने तो जनता की सेवा की है, इसीलिए जनता का अपार जनसमर्थन मिल रहा है और जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से मेरे साथ। एक भावुक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, अगर आपकी इजाजत हो तो। आप कितने लंबे अरसे से बीजेपी से जुड़े रहे, कितना वक्त हो गया? मैं तो विद्यार्थी परिषद में रहा हूँ, और उसके बाद मुझे 2001 से बीजेपी में हूँ, लगभग अब तक था। मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अभी था, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के मैंने सेवा की है। आपको अफसोस हुआ आपका टिकट पैनल में नाम तक नहीं गया आपका, कि गया था, अफसोस हुआ आपको? नहीं, पैनल में तो नाम था, ऐसा नहीं है, सर्वे में भी ठीक ठाक नाम था। LI की जो रिपोर्ट होती है, पार्टी की संघ की रिपोर्ट होती है, और IB की रिपोर्ट होती है, उसमें सबसे अच्छा नाम मेरा ही था, टॉप में तो नाम था। तो हेलो, अफसोस हुआ आपको? ऐसा नहीं है, टिकट काट दिया गया, मतलब उम्मीदवारी को लेकर? नहीं, अफसोस तो होता ही है भाई, जो लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहा हो, और अफसोस तो होता ही भाई साहब। हमने तो पूरा जनता के दबाव में अपना कैरियर दांव पे लगा रखा है, लेकिन जनता का भरोसा, मैं जनता पे भरोसा कर रहा हूँ, जनता का भरोसा भी मेरे ऊपर है, वो निश्चित रूप से बदलाव होगा। आपको मतलब किसी ने कोई आश्वासन तो दिया होगा ना कि वीरेंद्र जी आप तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका नाम है, आप टिकट के हकदार हैं, किसी ने तो आश्वासन दिया होगा आपको? भाई साहब, ये तो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, आपको पता ही इनके बारे में, ये किसी को विश्वास देते हैं, किसी से कुछ करते हैं, लेकिन कहां खरी उतरते हैं धरातल। आप देख लीजिए ना, पिछले बार जिन लोगों को इन्होंने बात करके बिठाया था कि नहीं आपको सम्मान देंगे, राज्य मंत्री बना देंगे, ऐसे मेरे पास 5-6 लोग हैं, जैसे चुनाव बैठ गए उसके बाद कोई पूछता नहीं है। हम तो अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसको आश्वासन दिया था? जगवीर भंडारी जी ले लीजिए आप, यमुनोत्री से, पिछली बार स्वयं जो यहाँ के प्रभारी थे श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, वो घर पे गए थे, मैं आपको पहली लिस्ट में सम्मान दे दिया जाएगा, राज्य मंत्री बना दिया जाएगा,
सौरभ थपलियाल जी हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके 10 बार 5-6 लोग हैं जिनको बिठा के उसके बाद कोई पूछता नहीं, ये सच्चाई है। हाँ तो ये तो उनका व्यक्तिगत है, मेरे हिसाब से उन्हें बैठना तो चाहिए नेता जनार्दन उनके साथ थी, जिसके साथ जनता है वो नेता है, क्योंकि राजनेता तो सब पे दबाव बना देते हैं, कोई भी हो राजनेता दबाव बनाते हैं, हमें राजनेता को दबाव में कभी नहीं आना चाहिए, हमें जनता के दबाव में काम करनी चाहिए, जो जनता चाहती है। सौरभ थपलियाल को चुनाव लड़ना चाहिए था, जैसे आप लड़े रहे, अड़े रहे, उनको भी लड़ना चाहिए था, सौरभ थपलियाल को बिल्कुल लड़ना चाहिए था, बिल्कुल लड़ना चाहिए था, बिल्कुल लड़ना चाहिए था। अगर मेरे से बात होती तो मैं उनको ये सलाह देता कि भैया जब तक आप इन वट वृक्षों को हटाते नहीं, ये अपने नीचे के पौधों को कहां पनपने देंगे? कोई किसी का भला नहीं चाहता, अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है, यही राजनीति। आप बड़ी बात कह रहे हैं, अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से बात की थी टिकट को लेकर? बड़े नेता जितने हमारे यहाँ पे, चाहे वो प्रदेश का नेतृत्व हो चाहे वो राष्ट्र नेतृत्व हो, सबसे बात करते हैं। तो त्रिवेंद्र जी ने क्या कहा था कि तैयारी की जाए? सबसे मिला हूँ मैं, त्रिवेंद्र जी से मिला हूँ, निशंक जी से मिला हूँ, माननीय अनिल बलूनी जी से भी मिला हूँ, सबसे संगठन मंत्री जी से मिला हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी से मिला हूँ, उन्होंने कहा लगे रहिए देखते हैं, आश्वासन तो हर कोई ये देता ना। तो आपने बड़े नेताओं को दिखाया नहीं वो वाला वीडियो जिसमें अपने कार्यकर्ताओं को भस्मासुर बोल रहे थे चमोली जी? आप उनकी सोच तो भाई साहब आप क्या बोल सकते हैं, वो तो देखो आप, मैंने पहले भी बोल दिया ये बट वृक्ष है, ये किसी को जीतने के बाद किसी को कुछ नहीं समझेंगे। आज जनता मेरे साथ क्यों है? जनता को चाहिए चाहे छोटा हो बड़ा हो सम्मान, हम किसी को कुछ नहीं दे सकते सम्मान के अलावा। जनता देखो अपने स्वयं के लिए व्यवस्था करती है, लेकिन सम्मान की भूखी होती है, जो कि मैं सम्मान देता हूं जनता को, इसलिए जनता मेरे साथ है, बस मेरा तो इतना ही कहना है, मानना है कि हमेशा अगर दूसरों के सम्मान दोगे तो खुद सम्मान मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन पवार साहब मैं एक बात आपसे जानना चाहता, वो भस्मासुर किसे कह रहे थे विनोद चमोली जी? वो वीडियो आपने भी देखा होगा। मुझे इसका आइडिया ज्यादा नहीं है, मुझे लग रहा है वहां रतन जी बैठे थे उनके साथ, रतन चौहान जी महामंत्री, जहां तक मैंने सुना है, सुनी बात कह रहा हूं, ऑथेंटिक नहीं है, तो उन्होंने कह दिया होगा कि आपको अब सांसद की तैयारी कर लेनी चाहिए या आपको बड़ा सांसद से लेकर प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहिए, इस तरह की कुछ बात चाहे तो वहां पे रतन जी ने कही है, उस पर उन्होंने उन्हें कहा होगा जहां तक मैंने सुना। अच्छा, तो वो उन्हीं को कह रहे थे? अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि धर्मपुर का ऐसा कौन सा मुद्दा है? आप ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने भी विकास नहीं किया 15 साल, दिनेश अग्रवाल जी ने भी, और इन्होंने भी विकास नहीं किया चमोली जी ने भी, ऐसा कौन सा मुद्दा है जिससे आपके साथ जनता जुड़ जाएगी? कोई तो ऐसा मुद्दा होगा ना कि मैं अगर विधायक बन गया तो धर्मपुर का ये विकास करूंगा। क्या करेंगे आप धर्मपुर के लिए अलग, क्या करेंगे, विजन क्या आपका? देखिए जो मलिन बस्तियां हैं, जो हमारे जितने नाले हैं, आए दिन हर साल बरसात में जो गरीब तबके के लोग नाले के किनारे बसे हुए हैं, उनका हर साल कम से कम 20-25 साल नुकसान हो जाता है, उनका राशन खराब हो जाता है, बिस्तर खराब हो जाते हैं, पानी घरों के अंदर भर जाता है। तो जितने नाले नीचे कनेक्ट होते हैं इनको, मेरा जो मैंने बल्कि ये अब प्रपोजल ऊपर भी रखा था कि भैया ये कनेक्ट करा दीजिए इसमें बिंदाल नदी में आगे, तो जितनी मलिन बस्तियां जितने नाले हैं उनकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, कम से कम 10-15 हजार लोग इस नालों के बीच जो हर साल परेशान होता है। तो और वो गरीब तबका है, सरकार में किसी ने सुना नहीं आपकी ये बात? इसे रख ही सकते, बाकी करना न करना तो उनकी बात थी, क्योंकि हम तो देखो मैं तो खुद एक गरीबी से उठा हुआ व्यक्ति हूँ, मैंने गरीबी देखी भी है, तो मुझे पता है अगर किसी का 10-15-20 हजार का नुकसान होता है उसके लिए बहुत बड़ी बात है, कैसे कैसे करके वो जमा पूंजी जोड़ता है या बिस्तर खरीदता है या राशन खरीदता है, अपने परिवार को पाल रहा है, ये किसी ने राजनेता नहीं सोचता उनके बारे में। तो जितने अच्छा वीर सिंह जी देखिए आपने, क्योंकि सौरभ थपलियाल का भी जिक्र किया, मैं टीका राम जी जुड़े थे हमारे साथ, ये तमाम चेहरे थे जिन्होंने खुले तौर पर बगावत की और अभी भी अड़े रहे, कुछ वापिस नाम ले लिए, जैसे आपने सौरभ जी का नाम लिया, आपको भी तो मनाने के लिए फोन आया होगा ना किसी का कि नहीं आया था? नहीं आया था, बहुत लोग आए थे, घर पे आए थे, मैं तो स्पष्ट बोल दिया था कि चुनाव लड़ेंगे हम, तो जनता के नेता हैं, जनता के प्रत्याशी हैं, जनता के बीच जाएंगे।
आपके परिणाम पास कुछ भी हो, किसका फोन आया था आप, आपके पास किसका फोन आया? माननीय त्रिवेंद्र जी का फोन आया था, माननीय मैं गया था, वो आए थे मिलने, माननीय निशंक जी का फोन आया था, और तमाम जितने कार्यालय से फोन आए थे या सीएम हाउस से भी मेरे पे। त्रिवेंद्र जी ने आपको भी आश्वासन दिया था जैसे सौरभ जी को कि सरकार आएगी तो आपको सम्मान दिया जाएगा, कहा था आपने? इतनी बात हुई नहीं मेरी, मैंने स्पष्ट बोल दिया था मैं चुनाव लड़ूंगा। और निशंक जी ने तो आश्वासन दिया होगा आपको कि बैठ जाइए। फोन पे बात हुई थी, वार्ता हुई थी, उन्होंने कहा आपके बारे में अच्छा सम्मान देगा, अच्छा सोचेंगे। मैंने उन्हें भी बोल दिया भाई साहब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो मेरे साथ सहयोगी है, जो लोग जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ 10 से 1500 लोग जुड़े हुए हैं, वो अगर मानेंगे नहीं तो मैं क्या करूंगा उसमें, उनका दबाव मेरे ऊपर है और मैं उनसे दबाव में बिल्कुल चुना लूंगा। अच्छा अब ऐसी स्थिति है कि कदम पीछे नहीं खींच सकते क्योंकि नामांकन वापसी की तारीख भी निकल गई है, लेकिन वीरेन जी आपके सीने में अभी भी बीजेपी धड़कती है जहां तक मैं महसूस कर पाया। पार्टी ने कहा है कि हम एक मौका और देंगे 5 तारीख तक, आपका अगला प्लान क्या है? देखिए मेरा जो मानना है, मैं तो केंद्र में हमारे मोदी जी हैं, मैंने कभी उनके बारे में, कभी मेरे आप बयान सुन सकते हैं, मैंने कभी उनका विरोध नहीं किया। हमारा विरोध तो विनोद चमोली जी ने भी नहीं किया ना, वो कह रहे कि मैंने कौन सा विरोध किया, किसका किया? नहीं देखिए मैं आज निर्दलीय मैदान में उतर रखा हूँ, आज भी मैं पार्टी के खिलाफ कहीं पे नहीं बोला। हमारा विरोध खाली व्यक्ति विशेष को लेके, यहाँ पे गलत निर्णय हुआ है, इस सीट पे गलत निर्णय हुआ है जो नहीं, किस आधार पे? वो तो कह रहे मैं विधायक रहा, मैं सिटिंग विधायक हूँ, मेरे इसलिए टिकट, मैं हकदार हूँ टिकट का, आप कह रहे गलत डिसीजन हुआ, वो तो ये कह रहे। आप देख लीजिए ना जनता का सर्वे क्या बोलता था, क्या सर्वे के आधार पे टिकट हुए हैं? आप बता दीजिए अगर सर्वे के आधार पे टिकट हुए कि धर्मपुर विधानसभा की चैनल वालों ने, मीडिया ने सी ग्रेड की सीट बता रखी थी, क्या उनको पता नहीं था प्रत्याशी चेंज होना चाहिए? अगर ऐसा होता तो प्रत्याशी निश्चित रूप से, अगर सर्वे देखा गया होता तो यहाँ पे प्रत्याशी चेंज होता, लेकिन ये तो पार्टी के संगठन की बात है, क्या सोचते हो, क्या सोचते हो, टिकट दिया है ये तो उनका विषय रह गया। तो कौन, किसने दिलवाया उनको टिकट जब आप कह रहे हो कि सी ग्रेड की सीट थी? अब पार्टी का संगठन भाई साहब, इससे हमें जानकारी इतनी है नहीं, हम तो देखो जमीनी कार्यकर्ता है, हम नेता नहीं, आप तो, आप तो बहुत लंबे अरसे से, वीर जी आप तो बहुत लंबे अरसे से जुड़े हैं पार्टी के साथ, आपको तो मालूम होगा ना कौन किसका गॉडफादर है। नहीं मुझे लगता नहीं इस बार, अब समझ नहीं है उनका गॉडफादर कौन है, मुझे ज्यादा जानकारी किसी के बारे में है नहीं। हमें तो देखिए अपने बारे में सोचना है बस, मुझे तो अपनी लड़ाई लड़नी है, स्वयं लड़नी है, और मेरे साथ जितने लोग हैं मेरे सहयोगी। 5 तारीख तक का वक्त मिला आपको बीजेपी की तरफ से? नहीं भाई साहब, हम तो निश्चित रूप से, मैं आपके चैनल के माध्यम से सब सबको कहना चाहता हूं, मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी हो। वैसे सीट हमारी निकल रही है, जितना पार जन समर्थन मुझे इस सीट पे मिल रहा है, आप देख सकते हैं एनी टाइम, यहाँ पर 500-600 लोग मेरे साथ हैं और क्षेत्रों में कम से कम 500-600 लोग लगे हुए हैं। अच्छा मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आखिरी सवाल क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बीजेपी को इस मंच के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे आप? बीजेपी को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बार जो टिकट वितरण हुए हैं, अगर सही टिकट वितरण होते तो सरकार निश्चित रूप में बीजेपी की लौटती, लेकिन टिकट आपने थोड़ा सा गलत वितरण कर दिए हैं, तो इस वजह से आपको भी आगे सोचना पड़ेगा इस बार, क्योंकि अच्छे लोग राजनीति में आने चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के। मैं आज आपके चैलेंज के माध्यम से अपने उत्तराखंड की जनता को बोलना चाहता हूँ, इस समय चुनाव ऐसे व्यक्तियों का कीजिए जो बिल्कुल समाज सेवा में कर रहे हो, आपके बीच के व्यक्ति हो, जिनसे आप अपना सुख दुख सब शेयर कर सकते हैं, जिनसे बोल सकते हैं, जिनके दरवाजे 24 आवर्स आपके लिए खुले हों, ऐसे व्यक्ति को चुनिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको कहना चाहूंगा, अगर विनोद चमोली को कोई संदेश देना हो तो क्या संदेश देंगे इस मंच से? नहीं वो हमारे बड़े भाई, हम तो शुभकामनाएं दे सकते हैं। मैंने किसी को देखो, मैंने पहले भी बोला था, मैंने किसी के विरोध में कहीं बोल भी नहीं रहा, न दिनेश अग्रवाल जी के न उनके बारे में। जनता तय करेगी, जनता को आंकलन करना है कि इनमें से। अभी मैसेज आया कि वीर सिंह पवार जी को, अभी जो लाइव चल रहा है ना पवार जी, तो जनता का मैसेज आया कि वीर सिंह पवार जी 5 तारीख तक बैठ जाएंगे, मना लेगी बीजेपी उनको, मैसेज आया सर अभी।
लाइव चल रहा है। नहीं, बैठने का तो सवाल ही नहीं होता। मैं जनता का प्रत्याशी हूँ, जनता के दबाव में बैठने का दूर दूर तक सवाल। अब मैसेज ये लिखा हुआ आया कि वीर सिंह पवार जी बीजेपी को हरा देंगे और अग्रवाल जी को जितवा देंगे, मैसेज आया सर। देखिए, मैं किसी के हराने के लिए या जितवाने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहा हूँ, अपनी लाइन लंबी कर रहा हूँ। मुझे यहाँ जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है, चाहे वो किसी समुदाय का व्यक्ति हो। रही दिनेश अग्रवाल जी की बात, हो उनके लोग टूट के हमारे पास आ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमने इनको देख चुके हैं, क्या किया इन्होंने, आज स्थिति है हो चुकी विधानसभा की। चलिए, किसी हराने से और जिताने से पवार जी, यानी आप कुल मिला के ये कह रहे हैं कि अब तो मैंने रण में ताल ठोक दिया, कदम पीछे नहीं खींचूंगा और धर्मपुर में सियासी युद्ध लड़ेंगे, एक तरफ विनोद चमोली और दूसरी तरफ दिनेश अग्रवाल और तीसरे आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं वीरेंद्र जी आपको, आपने न्यूज़वर्ल्ड इंडिया के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वीर सिंह पवार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कह रहे थे कि धर्मपुर का सियासी युद्ध वो जीत कर रहेंगे क्योंकि उन्होंने यहां पर काम किया है, पार्टी ने गलत फैसला लिया, गलत व्यक्ति को टिकट दिया, इसलिए लड़ाई अब मेरे लिए आन बान और शान की हो चुकी है। ऐसे में पीछे हटने का सवाल, पार्टी के नेताओं ने मनाया, त्रिवेंद्र जी का फोन आया, निशंक जी ने भी कहा, लेकिन फिर भी वीर सिंह पवार कह रहे हैं कि अब मतलब ही नहीं होता, यानी धर्मपुर के सियासी रण में भी बागी ने ठोकी ताल। अब देखिए आगे कौन कौन दिग्गज पसीने छुड़ाता है। लगातार ऐसे मंच पर हम इन्हीं बागियों को मौका दे रहे हैं अपनी बात रखने का। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।